नाम है आपका सर? अहमद हुसैन। और किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है सर? आज हम लोग मॉर्निंग रेड मार्च अभियान के तहत शक्तिनगर के तरफ कार्य कर रहे थे। सुबह 5:30 बजे से टीम थी, करीब 6:30 बजे बगीची के पीछे गली में जब गए तो वहाँ पे कटिया डली हुई थी, उसकी हम लोगों ने रिकॉर्डिंग कर ली और वहाँ से निकल करके बाहर की तरफ जैसे ही आए तो इंदर सिंह और उनके दो भाई और हैं वो और उनकी बीवी विनीता देवी गली से निकल करके आए और गली में बाहर आकर के वाद विवाद करते हुए गाली गलौज की और मारपीट की। आप लोगों ने उनको पहचान लिया? हाँ, पहचान लिया। हमारे पास जब विवाद हो रहा था थोड़ी बहुत हमने रिकॉर्डिंग भी की थी उस समय, जब मार पिटाई चालू हुई क्योंकि पब्लिक उग्र होने लगी उनके बहकावे में आके, तो फिर रिकॉर्डिंग उसके बाद हो नहीं पाई और हम लोग तितर बितर होकर भी किसी तरीके से वहाँ से बचे। ये मोटर वहाँ पर हमें मिली, चालू हालत में मिली और महिलाएं मिली काफी बार पुलिस के सामने भी गाली गलौज, मतलब कोई कनेक्शन नहीं था, बाईपास केबल चल रही थी। और मैं यहाँ एक चीज़ और स्पष्ट कर दूँ अगर आप जानना चाहें कि वो एक ही मकान में 3 प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान लिए गए हैं एक ही मकान में, और उनमें कॉमर्शियल कनेक्शन कॉमर्शियल कार्रवाई जारी है, तो घरेलू नहीं है, कॉमर्शियल है और माननीय प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत लिए गए। मतलब 3 आवास एक ही घर में, आवास एक ही प्लॉट के अंदर हैं, आपस में कनेक्टेड हैं, कोई वो नहीं है, कोई पार्टिसिपेंट नहीं है उसमें, मतलब बिल्कुल, और कॉमर्शियल एक्टिविटी उसमें होती जा रही है। थैंक यू सर। मैं उपखंड अधिकारी हूँ SN हॉस्पिटल का। किस तरह का अभियान चलाया जा रहा था सुबह सुबह जो चेकिंग चल रही थी? क्या होता है कि लोग हीटर चलाने पानी गर्म करने के लिए मीटर से ना चला करके कटिया डालते हैं, उस समय लोड हमारे फीडर पर बहुत ज़्यादा आ जाता है, उसको बचाने के लिए कि लोड इतना ना आए कि हम सप्लाई ना दे पाए, आपने देखा होगा सुबह सुबह ट्रिपिंग भी हो जाती है, इसी कारण से होती है, तो हम उसे बचाने के लिए चेक कर रहे थे कि कहीं अवैध कटिया तो नहीं है। हम अवैध कटिया देख करके जैसे ही चलते हुए काफ़ी आज सुरक्षित मिला, कहीं ज़्यादा नहीं मिली, लेकिन एक गली में पहुँचे बगीची के पीछे शक्तिनगर में, तो हमें एक कटिया दिखाई दी, उसकी वीडियोग्राफी की हमने, और वीडियोग्राफी करने के बाद हम लोग रोड पर आ गए। रोड पर भी हम लोग बस आई हुए थे तभी 3-4 लड़के पहले दौड़ते हुए आए गाली गलौज करते हुए, और कौन छत पर चढ़ा कौन छत पर चढ़ा, लेकिन हमने कहा छत पर नहीं चढ़ा, हमने यहाँ खड़े हुए हैं आप बताइए, तो एक महिला भी आई तो उसमें सबको धक्का मुक्की करते हुए गाली गलौज की, तो हमें अहमद जीजा जो हमारे हैं इनके साथ एक संविदा कर्मी थे सुमंत कमलेश उनको गिरा लिया, और महिला ऐसे हाथ करके खड़ी हो गई और बचाने भी नहीं दिया, हम लोग इनको बचाने के लिए दौड़े तो धक्का मार दिया और इनके साथ 3-4 और लोग आ गए हमने सामने के, वो भी ऐसे खड़े हो गए कि हम इन्हें बचा भी नहीं पा रहे थे, बड़ी मुश्किल से हम लोग घुसे, मतलब धक्के घुसा खाते हुए इनको उठाया, इनको कहा आप पीछे से निकलो, तो हम निकल करके बड़ी मुश्किल से निकले, 100 नंबर पर किसी हमारे कर्मचारी ने फ़ोन किया, 100 नंबर तुरंत वहाँ पहुँचा, पहुँच करके उन्होंने जो मोटरसाइकिल खड़ी थी एक जो हमारे कर्मचारी की उसे निकाला, हम लोग रोड पे आए, रोड पे आकर के हमने सारे अधिकारियों को कॉल किया कि ऐसी ऐसी स्थिति हो गई है पहुँचने के लिए के दौरान, तो हमारे SP साहब भी तुरंत आ गए, उन्होंने SP साहब को फ़ोन किया, फिर थाने की फोर्स तुरंत हमें मिली, हम ले जा करके वहाँ पहुँचे, तो हमें ये आश्चर्य हुआ कि जब हमने जिस घर में कटिया पड़ी हुई थी कोई कनेक्शन नहीं है उस घर को खोल करके जब हमने अंदर देखा
तो वहाँ आप देख रहे हैं कि ये मोटर रखी हुई है।